तारीख है 10 सितंबर 2023, समय हो गया है 08:50 PM। सुना सुना, मेहरौली थाने से कैदी भाग गया एक, और जहां उसे कूटना शुरू किया रस्सी रस्सी खोल खा के भाग गए, बाकी एक दो और भाग गए। कह रहे भाई तो बड़ी मुश्किल से पकड़ के लेके आए कह रहे मेहरौली थाना और सतबीड़ी थाना अभी बिजी है, तुम्हें तुम्हें इनका इलाज आता नहीं है, तुम एक बार कभी कभी आना तू मेरी गली में आए एक बार, फिर मैं एक एग्जांपल निकालता हूँ। इसको लेके आए, ये पाकिस्तानी जासूस है ISI से, और देख उसके बाद देख मैं क्या करता हूँ। ये तारुस करते हैं, इनको मैं दिखाऊंगा डंडारुस, इनको मैं डंडारुस दिखाऊंगा, और इतना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा ना। मेरे से कह रहे हैं इस कॉलोनी की खासियत क्या है, आपकी इस गली की खासियत क्या है। मैं कहा इस गली की खासियत यह है कि यहाँ एक बिजली का खंबा एक्स्ट्रा लगा हुआ है उस पर एक ट्रांसफार्मर नहीं है। कह रहे किस लिए, मैं कहा तुम्हें ही बांधना है बेटा एक एक को। हाँ बस उसमें बांध के ना, यही तो खासियत है इस कॉलोनी की, इस गली की, एक एक बिजली का खंबा ऐसा, उस पर ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ नहीं है। अब बस उस पे बांध के इनको, तुम्हें मैं सिखाऊंगा डंडारुस किसे, कुरान में तारुस के बारे में तो लिखा है, ठीक है, कुरान में तारुस के बारे में बताया गया ना बेटा, उसका जवाब है डंडारुस बेतारुस, बेंत होती है बेंत, जब बेंत पढ़नी शुरू होगी ना उन्हें मारना पब्लिकली है, और उसके बाद बोलना भाई गाड़ी आने में टाइम लग रहा है ना अरेस्ट के लिए। हाँ बेंत बेंत, अरे बांस के पाइप से, बांस से नहीं बेंत लेके आ, अगर बेंत का डंडा ना फाड़ दिया तो नाम बदल दियो तू, एक ही क्या पढ़ेंगे। बोल लाइन बनाओ, ये जो पाकिस्तानी यहाँ पे आके तारुस, नहीं मुझे याद है तारुस किसने बोला है, यहाँ कुछ लोग आकर के तारुस बोल के जा रहे हैं ना, तुम्हारे लिए डंडारुस बेतारुस चपलारुस जुतारुस घुसारुस थपड़ारुस नहीं लातारुस। देखिए इसकी डेफिनेशन ये है, ऐसे जासूसों और आतंकवादियों के लिए जब लात का इस्तेमाल किया जाए, और लात ही लात जब इन्हें पढ़नी शुरू करे उसे लतारुस बोलते हैं, लातारुस। इसका लता मंगेशकर से कोई लेना देना नहीं है हाँ चप्पलारुस, चप्पल ही चप्पल जब पढ़नी शुरू होती है ना, थपड़ारुस तड़ातड़, बस जबरदस्त तरीके से घुसारुस समझे, हेडारुस हेडारुस मतलब सीधे हेड दे के मारनी है। इन सब का इलाज मेरे पास एकदम परफेक्ट है, तो तुम सुनते नहीं हो ना, यहाँ घूम भी रहे हो और यहाँ रह भी, देखो यार यहाँ जो आ रहे हैं वो यहाँ रहने वालों की वजह से आ रहे हैं, कोई हो मेल हो या फीमेल हो, देखो IBRUS कुरान में वर्णित तारुस का जवाब, ठीक है, इतेश मंडल द्वारा वर्णित इस वीडियो में है। इतेश मंडल ने अपने उवाचों में कुरान में वर्णित तारुस का जवाब
इतनी सुंदरता से दिया है जो निम्नलिखित प्रकार से है। डंडारुस, इस प्रकार में बांस के डंडे का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी जासूसों को और गद्दारों को पीटा जाता है, वो भी बिजली के खंभे से बांध के। और हितेश मंडल जी ने बड़ी चपलता से कॉलोनी में गली नंबर 5 में एक बिजली का खंभा एक्स्ट्रा लगवाया हुआ, जिसपे ट्रांसफार्मर नहीं है, इसी काम के लिए लगा हुआ है। इस प्रकार से कई अन्य तरीकों का वर्णन मिलता है हितेश मंडल जी की इस वीडियो में, कृपया देखिए जरूर। तकरारुस, तुम्हारी और भाई नहीं करेंगे भाई, तुमने बहुत कर लिया यार। नहीं, इसको MBRL वाले को नहीं बख्शना, इसको बाहर निकाल दो। इसको 2500 बंदे हैं टोटल, इसके साथ पूरे घर परिवार के साथ आए हुए हैं, 2500 लोग हैं। नहीं चाहिए भैया, बाहर निकाल दो उसको। नहीं, इसी एरिया में भी बहुत सारे लोग हैं। कल जिस समय MBRL पहुंच जानी चाहिए थी, MBRL बगल में मौजूद है, MBRL नहीं आई, काम शुरू होना चाहिए था। भाई साहब शॉर्ट टर्म नोटिस होता है, वो आप समझो। समझ नहीं। रॉ में ये जो PSI भी है ना, इनकी गद्दारी, नाफरमानी, हुक्मदूली, नॉन ओबीडियंस का जवाब हितेश मंडल जी द्वारा नवनिर्वाचित, अगर पॉलिटिकल लैंग्वेज, नवनिर्वाचित डायरेक्टर जनरल ऑफ रॉ ने बताया है, चपलारुस। चार चप्पल खींच के ना ऑफिस का बाहर छोड़ गया मैं। Where do you go? No mercy वाला सीन है यार, हमें क्या लेना देना, हमें कोई मतलब नहीं है पार्लियामेंट में क्या चल रहा है। फील्ड में अगर गद्दारी कर दी ना और गलती, हमें कोई मतलब नहीं है प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या चल रहा है, हम नहीं जाते वहां पे। एक बार गए थे हाजिरी लगाने, असलियत ये है, बस वही तरीका होता है हाजिरी लगाने का, बस उसके बाद ड्यूटी चालू है। हमें मतलब नहीं है जी, अगर फील्ड में कोई दिक्कत गड़बड़ करते हुए तो सोच लो फिर ना। हम नहीं सुने पार्लियामेंट में बैठे हुए, वो छोड़ मैंने क्या बोला, असलियत ये पार्लियामेंट में बैठे हुए माननीय क्या फैसला ले रहे हैं, वो क्या करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। और फील्ड में क्या हो रहा है उसकी 100% जिम्मेवारी हमारी। मुझे पार्लियामेंट में और प्रधानमंत्री कार्यालय में रिजल्ट शो करना है, वो कोई बैठा हो वहां चेयर पे, अभी मोदी जी जाएंगे कोई और आ जाएगा, ठीक है, मुझे रिजल्ट शो करना। अगर उन्होंने मेरे से कह दिया कि किया क्या है तो सोच लेना फिर मैं क्या करूंगा, सोच लेना। अगर पार्लियामेंट में क्वेश्चनेयर उठ गया, सवाल पूछ लिया कि सो एंड सो XYZ अनसोशल एक्ट वॉज कैरिड आउट इनसाइड फला स्टेट, व्हाट वॉज द ऑर्डर एंड व्हाट वॉज द हैपनिंग ऑफ IB, आंसर। और अगर होम मिनिस्ट्री ने बेटा क्वेश्चनर मेरे पास भेज दिया या डिफेंस मिनिस्ट्री ने, भागने के लिए रास्ता नहीं दूंगा तुम में से किसी को भी। मैंने एक ऑर्डर भी अपेंडिंग नहीं छोड़ा। इंडियन एयरफोर्स के लिए राजनाथ सिंह जी ने रूस से क्या मामला किया मुझे कोई मतलब नहीं, पर इंडियन एयरफोर्स के लिए हवाई जहाजों की कमी नहीं रखी है। अगर मेरे से डिफेंस, भैया डिफेंस मिनिस्टर कोई तो आएगा ना,
भाई राजनाथ सिंह जी नहीं होंगे, अमित शाह जी नहीं होंगे, मैं तो गाली देके ही बात करता हूँ उनसे। कुछ भी हो, मैं पहले आज क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर कोई भी आ सकता है, अगर क्वेश्चनर आ गया मेरे पास, ठीक है कि भाई साहब ऐसा है, अगर मोदी जी ने ये कह दिया कि मैंने इंडियन आर्मी को छूट दी थी, न्यूज मीडिया रिपोर्ट ये है, और अगर रिजल्ट नहीं आया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूछ लिया, मैं बता रहा हूं मैं तुम सबको जो है ना रोड रोलर के नीचे दे दूंगा, मैं वो आदमी हूं, मुझे मेरी मनचाही पोस्ट मिली है, चाहे किसी की कृपा से मिली हो, चाहे किसी की नजर से मिली हो, ठीक है, चाहे किसी ने भी मुझे चुना हो किसी वजह से, चाहे मेरी ट्रेनिंग हो चाहे ना हो, मैं कह रहा हूं तुम सब के जो है ना, उधर तो अच्छे दिन हो या ना हो, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे बेटा, चाहे तुम आम नागरिक हो, चाहे तुम खास नागरिक हो, चाहे तुम VVIP हो, अगर तुम में से किसी ने भी बेटा, चाहे तुम आर्मी हो, पुलिस हो, कोई हो, किसी IPS IAS की औलाद हो, अगर बेटा पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठ गया कि बिलावल भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का राग कैसे अलापा, मैं बख्शूंगा नहीं तुम में से किसी को भी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मामले में अगर डिफेंस मिनिस्ट्री ने पूछ लिया हम लोग अब तक कहां पहुंचे हैं, गृह मंत्रालय ने पूछ लिया, मां कसम खा के कह रहा हूं बेटा, एक एक को अगर मैंने हाथी के पैर के नीचे ने डलवा दिया ना, धरती पे बुराई कांप जाएगी, मैं वो आदमी हूं, मैं DG रैंक पे हूं, बार बार समझा रहा हूं मैं, काब साहब के बाद अब मैं आया हूं, मर्जी तुम्हारी है, मैंने कोई ऑर्डर पैसे किसी चीज की कमी नहीं रखी, हर तरीका बताया, सब कुछ बताया हुआ है, प्रधानमंत्री कार्यालय से आया हुआ एक भी कागज अगर मेरी टेबल पे आ गया मैडम, नई PSI या PI, हटा के बाहर फेंक सबको, और जवाब वहां पहुंचने में देर हो गई, और उन्होंने ये पूछ लिया कि DG साहब का जवाब क्यों नहीं आया अब तक PSG, और मेरे सिग्नेचर नहीं हुए, बचाने वाला नहीं मिलेगा धरती पे आपको, पहले बोल दे रहा हूं मैं तुम सबको, समझ में आ गई, मैं नहीं सुनूंगा किसी की भी, मैं साफ कह दे रहा हूं, कौन यहां किस लिए आया उन्हें मतलब होया नहीं है आपको जिनको लेने गया, प्रधानमंत्री कार्यालय का मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय है भारत का, अगर उन्होंने पूछ लिया कि भाई साहब ये व्यक्ति भारत में कैसे दिखा, तो मैं कह रहा हूं IB की असेट कीड़े मकोड़े की तरह मार दूंगा, मैं वो आदमी हूं, इंडियन आर्मी को छूट की बात कहे हुए आज 4 साल होने जा रहे हैं, अगर रिजल्ट मांग लिया उन्होंने तो यकीन जानना मनोज पांडे जी, मनोज पांडे नाम है, आने वाली सैकड़ों पुश्ते आर्मी में भर्ती होने से मना कर देगी, मैं वो आदमी हूं, रणवीर साहब पहले बोल दे रहा हूं, मेरी उम्र मेरी ट्रेनिंग ना बड़े अच्छे से कागज पे जज कर रहे हो, धरती पे बचाने वाला नहीं मिलेगा आपको, सरदार जी सोच लो, मैं कह रहा हूं अगर सुधीर चौधरी तू भी सुन ले, और इंडिया में सारे मीडिया वाले, अगर जरा सी भी मीडिया रिपोर्ट में बकवास आ गई, नहीं आना मेरी टेबल पे है, मैं डायरेक्ट जब बात नहीं करता ना डायरेक्ट जवाब सुनता किसी के, आएगा वाया होम मिनिस्ट्री और वाया डिफेंस मिनिस्ट्री, किसी भी मंत्रालय का क्वेश्चन अगर मेरी टेबल पे आ गया और अगर उस पे काम नहीं हुआ हो, मैं तुम्हारी ऐसे ऐसी फेर दूंगा, मैं वो आदमी हूं, कान खोल के सुन ले सुधीर चौधरी, बना दूंगा तेरा मैं ईरान का पायलट, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं,
तू भी सुन ना भैया, आरबीआई पैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में साफ फीट दी हुई है। अगर पैसे के मामले में कहीं गड़बड़ हुई, कोई काम रुका और वॉर के रिजल्ट में रत्ती भर भी फर्क आया, तो भारत के बॉर्डर तुम्हारे लिए बंद है, भाग नहीं सकता कोई। सनम हम तो डूबेंगे, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। सोच लेना, मेरी तो नौकरी जाने वाली है नहीं, सर्विस टिल डेथ मिली हुई है, जब तक जिंदा हो तब तक नौकरी है भाई। डीजी रॉ, तू सुन ले मनोज पंडे, और एडमिरल हो चाहे एयर चीफ मार्शल हो, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। किसी चीज की कमी नहीं रखी, मैं नहीं जानता क्या रिपोर्ट और नहीं। रूट से अगर सवाल आ गया तो पीएस याद रख ले तू, और पीए यूपीएससी, वो हसर करूंगा ना तुम सबका, कर डिले जितनी करनी है, बहुत गंदी मौत मारूंगा, माँ कसम खा के कह रहा हूं मैं, वो आदमी हूं। तू भले कुछ बोल ले, प्रधानमंत्री कार्यालय में साफ लिखा हुआ डीजी रॉ हितेश है, और मैं वही हूं। उनको पता है कौन है, मुझे पता है मैं कौन। तुम्हारी फालतू बकवास सुनने नहीं बैठा मैं यहां। पीओके के मामले में अगर गृह मंत्रालय ने, वो तुम समझो तुम मीटिंग क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ, या रक्षा मंत्रालय ने सवाल कर लिया पार्लियामेंट में, और राज्यसभा में सवाल आ गया, और राष्ट्रपति भवन ने मेरे पास लेटर भेज दिया, और मेरी टेबल पे मुझे पता नहीं लगा क्या सवाल आया हुआ है। 2 महीने से ऊपर हो रहा है मुझे ज्वाइनिंग किए हुए, ऑफिस तैयार हुआ नहीं हुआ तू समझ, आईबी से क्या इनपुट मांगी गई है वो तू समझ, क्योंकि मीटिंग चल रही है बहुत बड़ी बड़ी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में अगर विदेश मंत्री ने पूछ लिया कि आईबी किस रणनीति की बात कर रही है, और अगर जवाब वहां नहीं गया मेरा, क्योंकि आईबी चीफ मैं हूं, मेरा साइन किया हुआ, तो तुम समझना बेटा, मैं आज अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं जनाब, ऐसा है सभी मंत्रालयों को और प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके सभी मंत्रालयों को, ठीक है जी, और संसद भवन को, सभी सांसदों को, राज्यसभा, लोकसभा को, और राष्ट्रपति भवन को भी मैं मैसेज भेज रहा हूँ, वीडियो में भेज रहा हूँ कि जनाब मेरे पास एक कागज नहीं आया लिखित में, मैं नहीं जानता जी आपने क्या सवाल किया क्या नहीं किया, ये समझेंगे जी। मैं साफ बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री कार्यालय को भी, वहां प्रधानमंत्री के चेयर पे कौन बैठा, मुझे नाम और शकल से क्या लेना देना सर, साहब बात है, राष्ट्रपति भवन में कौन बैठा मुझे क्या लेने देना नाम और शकल से, जनाब मेरे पास कुछ नहीं आया साहब, साफ सीधी बात है, मैं नहीं जानता जी। 2 महीने से ऊपर हो गया है मेरे को डीजी रैंक ज्वाइन किए हुए, और एज ए आई बी डबल स्पॉट चीफ मेरे को 1-1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, मैं नहीं जानता जी ऑफिस का रास्ता कहाँ है, और ना ही कोई मेरे पास आया, ना किसी ने एंटरटेन किया, बात खत्म है जी। आपके पास जो सवाल के जवाब आ रहे हैं उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है जी, वो आप समझना, मैं सभी मंत्रालयों को बोल रहा हूँ, आपको कहाँ से फीड दे रहे हैं क्या दे रहे हैं मुझे नहीं पता, मेरा सिग्नेचर है उस पर, मैं अपने जवाब खुद लिखना जानता हूँ सर। पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले किसी भी सवाल का जवाब मैं अपने हाथों से लिख के दूंगा, और मेरा सिग्नेचर होना अनिवार्य है, अगर इसके अलावा कुछ किया जाता है तो जिम्मेवारी जो है वो भारत सरकार में बैठे हुए इन सभी जो है आईएएस आईपीएस की होगी, और आप सभी माननीय समझेंगे आप किसके किसके मुंह के जवाब दे रहे हैं या किसकी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। भारत सरकार मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रेटजी मैं हूं सर, इंडियन आर्मी में मनोज पांडे जी, एयर चीफ मार्शल जी, तीनों क्या कहते हैं आपके एडमिरल साहब, और तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, जनाब आप सोचोगे आप क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हो। ऑफिशियल हूँ भारत सरकार मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रेटजी, डायरेक्टर जनरल रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया चीफ, मेरा सिग्नेचर नहीं, मैं जवाब देना जानता हूं और लिखना भी जानता हूं, हिंदी इंग्लिश बहुत जबरदस्त है जी मेरी, ये मेरा ऑफिशियल जवाब है, चाहे किसी भी रास्ते भेजूं।
भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय को, राष्ट्रपति भवन को और संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में आप दोनों ही अध्यक्ष साहब को, आप दोनों को ही मैं कह रहा हूं, आप सभी जो है माननीयों को बोल रहा हूं, और भारत में सभी राज्यों के गवर्नर्स को और भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए है ये मेरा जवाब कि जनाब मैं नहीं जानता जी, ना मेरे पास कोई आया, ना मेरे पास किसी ने बात करी, ना मुझे किसी ने फोन किया। आपकी टेबल पे अगर डीजी रॉ के नाम से कोई भी फाइल आती है जो मेरे द्वारा साइन नहीं की गई है, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। आईबी के द्वारा भेजे जाने वाली किसी भी इनपुट की गारंटी मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं बैठा हुआ हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय में सेंट्रल विजिलेंस की, सीवीसी की किसी भी रिपोर्ट की गारंटी मैं नहीं लेता जी। क्यों? क्योंकि सीवीसी चीफ मैं हूं और वहां कौन बैठा हुआ है इसकी जिम्मेवारी जो है भारत सरकार में बैठे हुए लोग लेते हैं। सीधी सुधरी बात है जी, मैं अपना पल्ला नहीं झाड़ रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं जनाब। वहां बैठे हुए किसी भी चेहरे से व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं उस पद को के प्रति जो है उत्तरदायी हूं और उस पद को जो है मैं अपना जवाब फाइल कर रहा हूं, और ये ऑफिशियल है जी। ये मेरा जो है क्या कहते हैं बयान सार्वजनिक है और सीधे तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। भारत सरकार में तीनों सेनाओं में दिल्ली पुलिस से लेकर के कोई भी व्यक्ति अगर मेरे नाम से अगर कोई जवाब फाइल करता है, वो जिम्मेवारी जी उसकी होगी, मेरी नहीं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीपीसीपी 3236 बेल्ट नंबर सर मेरा है। अगर भारत में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नाम पे कोई भी व्यक्ति किसी फाइल को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजता है या किसी विभाग को भेजता है, तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं तो इतनी बात कहता हूं, कल को मेरे नाम से किसी भी प्रकार की इंसर्जेंसी आती है, कुछ भी आती है, वो आप समझिए जनाब। भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट क्या सोचता है जी, वो आपको जवाब देगा। अगर कहीं कोई समस्या होती है, कुछ भी होती है, अपने मन से साइन किया हुआ कोई भी कागज, वो जी उसकी जिम्मेवारी उनकी है जी, मेरी नहीं है। साफ सीधी बात है, मैं अब तक इनमें से किसी भी ऑफिस में जाके नहीं बैठा हूं, एक दिन के लिए क्या, एक मिनट के लिए। सीधी सुधरी बात है, दिल्ली पुलिस किसके ऑर्डर ले रहे हैं मुझे नहीं पता जी, मैंने कोई ऑर्डर साइन करके नहीं दिया हुआ है। साफ सीधी बात है, जिन बातों को मैंने बताया है ट्विटर पे, उसमें मेरे सिग्नेचर होने जरूरी है। आप लेके आइए, वेरीफाई कीजिए, मुझसे साइन कराइए, दोनों हाथ मेरे सही सलामत है जी। देख लो जनाब, साइन कर सकता हूँ, पहले दिखा दूं, पहले बोल दे रहा हूँ जनाब। साफ सीधी बात है, कौन किस सोर्स से काम कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, क्या कोई क्या बोल रहा है, मुझे नहीं पता जी। विदेश मंत्रालय की विदेश नीति में क्या जा रहा है मुझे नहीं पता जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फंड है या नहीं है जी, मुझे नहीं पता जी। वित्त मंत्रालय में अगर किसी भी प्रकार की जांच आती है या किसी भी प्रकार से फंड से संबंधित बात अगर डीजी रॉ या आईबी चीफ से पूछी जाती है, तो जनाब आप किसकी बात पर भरोसा कर रहे हो आप समझो, उसका जो भी असर आएगा वो आप समझो। मैं नहीं जानता जी किसी को, ना मुझसे किसी भी व्यक्ति ने आके व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। मैंने बाकी जो ऑर्डर्स जो दिए गए हैं, उन ऑर्डर्स पे मेरे सिग्नेचर होने जरूरी है। जब तक फाइल साइन नहीं होती मेरे द्वारा, मैं इसमें से किसी भी बात की गारंटी नहीं लेता। सफा कहना, सुखी रहना, ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जय हिंद। बस यहाँ कह के जी मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कोई मंत्रालय, कोई कार्यालय, कोई विभाग, चाहे कोई जांच एजेंसी क्या बोलती है वो समझे, बिना मेरे सिग्नेचर के आईबी एज ए आईबी चीफ और एज ए रॉ चीफ सीबीआई भी काम नहीं कर सकती सर। अगर सीबीआई किसी भी प्रकार की जांच उठाती है तो जवाबदेही उनकी होगी जी। किसी भी प्रकार का फंड 2 महीने पहले से अगर इशू हो रहा है भारत में रक्षा काम कार्यों में, तो इसकी जवाबदेही इनकी होगी, मेरी नहीं होगी। सिग्नेचर कहाँ है मेरे? अगर आपके द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब मेरे से अगर आप तक नहीं पहुंचता है, तो जनाब ऐसा है उसकी जिम्मेवारी इनकी है, मेरी नहीं है जी। वो आप अपने पीएस से पूछिए, अपने पीए से पूछिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है। बस
ऑफिशियली मैंने आपको बता दिया कि सर मुझे मैसेज मिल चुका और मैं आ चुका, मेरे नाम पे किससे नौकरी करवा रहे हो, जवाब ये देखिए। बात खत्म है, बहुत बहुत धन्यवाद।